इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर काबुल से आ रही है, भारतीयों के एयरलिफ्ट पर यह खबर। अफगानिस्तान से आज फिर 90 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। ये लोग आज शाम तक भारत पहुंच सकते हैं। एयरफोर्स के प्लेन C-130 से भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। 90 भारतीय तजाकिस्तान के रास्ते देश लौट रहे हैं। एयरलिफ्ट में अमेरिकी ब्रिटिश सेना ने भी मदद की। और डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इन 90 लोगों पर क्या अपडेट है? क्या ये वहां तजाकिस्तान से निकल चुके हैं? भारत कब तक पहुंचेंगे? जोशना, इस समय ये तजाकिस्तान में ही है और जो सेकंड C-17 ग्लोब मास्टर है जो कि इस समय काबुल में है। आप ये समझ लीजिए जो एयर हेडक्वार्टर में हमारे सीनियर ऑफिशियल जानकार हैं उनके मुताबिक कि ये C-17 के साथ ही फ्लाई भी कर सकते हैं और उसके अलावा करीबन 4:30 बजे का वक्त होगा जब संभावना ये जताई जा रही है कि तजाकिस्तान के दुशानबे एरिया से ये फ्लाई करेगा और फिर उसके बाद हिंडन पहुंचेगा। तो ये करीबन 6:30-7 बजे तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत पहुंच सकता है, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ इस समय भारतीय वायुसेना देख रही है। स्टैटिक पॉज इस समय काबुल एयरबेस पर है, यानी जो C-17 ग्लोब मास्टर है जिसमें करीबन 210 भारतीयों को लेकर आना है, उन सभी को एक बार फिर से इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित वापस लाया जा सके। और उसके अलावा तजाकिस्तान के रूट से होते हुए जामनगर और फिर उसके बाद हिंडन एयरबेस पहुंच सके। जोशना, मनीष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो 90 भारतीय आ रहे हैं जो अभी तजाकिस्तान में वेट कर रहे हैं वो कौन कौन लोग हैं? क्या उसमें सिर्फ भारतीय हैं या अफगान के लोग भी हैं या एम्बेसी के जो ऑफिसर्स हैं जो अथॉरिटेटिव्स होते हैं वो भी हैं? जोशना, ये करीबन 300 की संख्या में लोग थे जो कि कल काबुल के नॉर्दर्न गेट के पास थे और फिर उसके बाद इनको 90 को सबसे पहले अंदर ले जाया गया ब्रिटिश सिक्योरिटी के द्वारा। इन 90 में जो 90 है संख्या उसके अंदर अफगान सिख अफगान हिंदू कुछ संख्या में हैं, उसके अलावा इंडियन नेशनल्स हैं और हॉस्पिटैलिटी और मेडिकल जो इंडस्ट्रीज है उसके बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं, उसके अलावा अफगान नेशनल भी है। तो मिले जुले तरीके से ये 90 लोग हैं। उसके अलावा 210 में से 84 लोग अफगान सिख हैं और करीबन 20 लोग अफगान हिंदू हैं जो इस समय गुरुद्वारे में मौजूद हैं। उसके अलावा करीबन 15 जो एक निजी कंपनी है जो कि वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करवाती है उनके लोग हैं। ये कुल मिलाकर 210 की संख्या में इस समय काबुल में मौजूद हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं। उन सभी को कहा गया कि वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट आएं ताकि C-17 ग्लोब मास्टर जो पूरी तरीके से सिक्योर्ड लोकेशन में है उसके द्वारा ये फ्लाई करके भारत आ सके, बिल्कुल इनकी सुरक्षित वतन वापसी हो सके। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।